लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। नगर टाक गाजिया में युवक पर तेज धार हथियार से हमला, गंभीर अवस्था में हमीरपुर अस्पताल से टांडा रेफर, पुलिस ने हिरासत में लिया हमलावर, मामला दर्ज हिमाचल दस्तक। भोरहनज उपमंडल भोरहनज का नगरोटा गाजिया गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार नगरोटा गाजिया में एक युवक पर तेज धार हथियार से हमला होने पर युवक बुरी तरह से घायल है, जिसका उपचार टांडा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उपमंडल अभी अग्निकांड हुए एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है कि एक ही गांव के युवक ने दूसरे युवक पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप राणा 32, पुत्र जगदीश चंद गांव नगरोटा जो खड्ड बाजार में ही मोबाइल व सिम कार्ड इत्यादि की दुकान करता है, ने अमित कुमार जो कि बीएससी का छात्र है को चाकू मारकर घायल कर दिया। अभिषेक ठाकुर जो कि अमित के साथ था ने शिकायत दर्ज करवाई है कि प्रदीप राणा ने अमित कुमार का रास्ता रोककर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे अमित बुरी तरह से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए तुरंत भोरहनज सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया गया। युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे यहां से टांडा मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। युवक गंभीर स्थिति में बताया जा रहा है। उधर भोरहनज के थाना प्रभारी राजीव लखनपाल ने बताया कि धारा 341, 323, 324 IPC पंजीकृत किया था और रिपोर्ट पर धारा 307 भी दर्ज की गई है। अमित कुमार को टांडा रेफर कर दिया गया है और प्रदीप राणा को हिरासत में ले लिया गया है। भरमाण में महिला के साथ मारपीट का मामला दर्ज सुजानपुर थाना क्षेत्र सुजानपुर के अंतर्गत भरमाण गांव में मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। शिकायत करते हुए कौशल्या देवी ने बताया कि वह वीरवार को करीब 11:30 बजे अपने खेतों से घास लेकर घर आ रही थी तो चमनलाल व उसकी पत्नी सरोती देवी ने इसके साथ गाली गलौज की। जब उसने गाली गलौज करने से मना किया तो उन दोनों ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान उसके शरीर पर काफी चोटें आई हैं।